नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल। पलामू प्रमंडल में गढ़वा एवं डाल्टेनगंज जिले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां पे मिलकर NMOPS कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। वो 3,000 रुपए जो भी आपको 60 साल के बाद मिलेगा, आज जिस रफ्तार से रुपया का वैल्यू घट रहा है, 3,000 रुपया क्या होगा? वृद्धा पेंशन 300-400 रुपए 600 रुपए मिलता है, उसके बराबर हो जाएगा, का खर्चा नहीं निकाल पाएगा कोई भी परिवार, छोटा परिवार। आज ये लोग बहुत तरीके से आज विकास का मॉडल क्या होता है, विकास किसको कहते हैं? आज विकास क्या गैस चूल्हा दे देने से होता है? आज विकास क्या आवाज दे देने से होता है? विकास होता है उस व्यक्ति का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, इन सब में समृद्धि, ताकि आदमी अपना लड़ाई लड़ सके। केवल आजीविका चलाना विकास कैसे कर सकता है? आज ये लोग इसी जगह पर लाके रखना चाहता है कि आप उनके रहमों पर बस खाने से ज्यादा सीमित रहें, सीमित रहें, बस यही सोच है। आज ये लोग व्यापारी है ना, और इन लोगों को पता है, और इन लोगों का पूरा रणनीति उसी पर काम कर रहा है कि कैसे हम लोगों को जीरो बैलेंस में ला के रखें, ताकि हर समय ये लोग हमारे सामने आते। झारखंड को सर आप बैलेंस कीजिए, और हम लोग कर्मचारी इसलिए कृतज्ञ हैं, पहला कोई राजनेता इस मुद्दे पर, जबकि हम लोग लगातार इधर पिछले 2 साल से अच्छी गति में हम लोगों ने इस बात को रखा है, तो बोला तो आप पहला याद है कि हर एक मंच पर इसको उठा रहे हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, हर कोई अपने बेटे को पढ़ा रहा है कि कल के दिन वो नौकरी करेगा सर, और आज जो है स्थिति कि हम 60 साल तक करें और 60 साल के बाद हमारा हमारा खाना संभव नहीं है, जो 1200-1400 मिले, कितना मजाक है। मुख्य प्रवक्ता DK शुक्ला ने साफ कहा कि पेंशन किसी का खैरात नहीं है, इससे नुकसान होगा आर्थिक। हम बताना चाहते हैं कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा है, और क्योंकि पेंशन वहाँ पर ओल्ड पेंशन ही लागू है। पुरानी पेंशन लागू करने की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा, और हम सभी सरकारी कर्मचारी उसी पार्टी के साथ रहेंगे जो पुरानी पेंशन लागू करेगा, और पूरे राज्य में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और 29 सितंबर को हम लोग पूरे झारखंड के लोग पेंशन कर्मियों ने इस बीच कई नारे भी लगाए, मांग को जोरदार तरीके से सरकार के सामने रखेंगे, और जो सरकार जो पार्टी पुरानी पेंशन लागू करेगी हम सब मिलकर उन्हीं संगठन के साथ रहेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद। मेरा नाम मनोज मेहता है, मैं पलामू जिला का NMOPS का जिला संयोजक हूं, और मैं पूरे मन तन धन से इस मुहिम में लगा हूं कि पुरानी पेंशन योजना पूरे झारखंड में लागू हो, और हम सब मिलकर के तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो जाए। गढ़वा जिले में सुशील सिंह एवं प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया। शुक्ला सर से हम चाहेंगे कि आप भी अपना स्टेटमेंट दें, आज क्या कार्यक्रम था और आप लोगों के बीच क्या आश्वासन मिला? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम लोगों का मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा, और उन्होंने काफ़ी आशा जगाई, और एक ही शब्द में हम लोगों का कहना था कि देखने में तो लगता है कि कर्मचारियों का मांग है, लेकिन सच बात है कि जग जमीन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कार्य कर रहा हो, मजदूर हो, किसान हो, हर कोई चाहता है कि हमारे बाल बच्चे पढ़ने के बाद वो नौकरी में जाएं, और सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी लाभ यह थी कि 60 वर्ष के बाद उसको अपनी सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने की गारंटी थी, तो इस बात को लेकर लोग नौकरी में जाते थे। आज NPS लागू हो जाने के बाद इतना बुढ़ापा असुरक्षित हो चुका है कि आप किसान को, मजदूर को, सबको आप पेंशन देने की बात करते हैं, और जो व्यक्ति 60 साल तक देश के लिए, राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है, उसको आप पेंशन के नाम पर, NPS नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर आप तुच्छ राशि जो आपको 1400-1500 रुपया करके दे रहे हैं, और वह कंपनी के नाम पर शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, तो यह कर्मचारियों के साथ बिल्कुल अन्याय है। इस बात को समझाने के लिए हम लोगों ने प्रतिपक्ष के नेता श्री हेमंत सोरेन जी से बातचीत हुई, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आती है तो हर हालत में पुरानी पेंशन लागू होगा, जैसे पहले से चला आ रहा है उसी तरह से करेंगे, और उन्होंने भी महसूस किया कि यह सिर्फ कर्मचारी तक ही नहीं बल्कि हर एक
तबके के हर एक समाज के लोगों से यह जुड़ा हुआ है। तात्कालिक रूप से दिखता है यह कर्मचारियों के पेंशन की बात है, लेकिन हर एक समाज में हर कोई चाहता है, जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है, कि वह उसके बच्चे नौकरी करें और नौकरी करने के बाद 60 साल के बाद जब अवकाश प्राप्त करें तो अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ,